स्मार्ट साउंड क्यों आए हैं आप लोग यहाँ, क्या जरूरत पड़ी? सर कल हमारे यहाँ जो है ये माननीय सांसद अतीक अहमद जी जो आक्रमण किए और एक छोटी सी बच्चे के निष्कासन के संदर्भ में, और ये बहुत ही दंडनीय है और वो निंदनीय है, और साथ ही साथ इन्होंने हमारे संस्थान को हिंसा बना दिया, जिसे किलर जिसको कह सकते हैं किलर के रूप में। वहाँ पे हमारे जितने लोग मिले हैं उन सब को किसी को बख्शा नहीं उन्होंने, एवन के हमारे सिक्योरिटी अफसर, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर, एवन के मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ, मुझे भी उन्होंने मारा। इसके बाद जो है लगातार मेरे पास धमकियां आ रही हैं, तुझे मार डालूंगा, तुझे मैं काट डालूंगा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, लगातार मेरे पास उसकी टीवी उसका है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं उसका चाहेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, उनकी आवाज़ की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। किसकी आवाज़ की? अतीक अहमद, माननीय अतीक अहमद जी के रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इसी संदर्भ में आज हम लोग डीएम साहब के यहाँ एक ज्ञापन देने आए हैं, तो डीएम साहब अनुपस्थित हैं, आउट ऑफ स्टेशन हैं, उसी संदर्भ मैंने एडीएम सिटी को ये ज्ञापन दिया है कि ये शिक्षण संस्थान में इस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है वो बर्दाश्त नहीं होगी, और साथ ही साथ इस पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो हम पूरे शिक्षण संस्थान, जितने हमारे ईसाई संस्थान हैं सब हम बंद करेंगे और एक साथ आंदोलन करेंगे इसके लिए, अगर हमारे ये से उस कार्रवाई नहीं होती है माननीय अतीक अहमद या उनके लोगों के ऊपर। अच्छा, एफआईआर तो दर्ज हो गई? एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसमें 5-6 लोग जो है वो नामजद हैं, इसमें माननीय सांसद अतीक अहमद जी भी नामजद हैं, और 5-7 लोग और हैं वो भी नामजद हैं, और सुबह अभी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको उन्होंने कल लात घूसों से इतना बुरी तरीके से मारा, उनके घर पे जा करके सुबह ताला तोड़ करके, उनके आदमियों ने ताला तोड़ करके सामान को तोड़ फोड़ किया और सामान को तितर बितर कर दिया, जैसे लगता है कि वहाँ पे कोई आतंक फैला दिया है। और सुबह हमारे घर पे एक सफारी भर के गई और वहाँ गाली गलौज दे के आई। वो तो उनकी तरफ से ये बात आ रही है कि वो सिर्फ आए थे ना कि वो मारा पीटा गया। नहीं, अभी जो घर पे आए थे उन्हों घर पे नहीं मारा पीटा किसी को, लेकिन कल भी कह रहे वो एक निलंबन खत्म करने के सिलसिले। अब वो कुछ भी कहते रहे, हमारे सीसीटीवी फुटेज है, हमारे लोग हैं, हमारे उसमें कोई कैद है, उसमें उसको कोई बढ़ा घटा नहीं सकता। परिचय दे दें। हमारा डॉक्टर रमाकांत दुबे, यूनिवर्सिटी पीआरओ। मैं आपके साथियों से बात कर रहा था, फिर आपसे बता रहा हूँ कि बहुत मुख्तसर में ये है कि दो बच्चे वहाँ नकल में सस्पेंड किए गए और उसके बाद वो बच्चे टर्मिनेट कर दिए गए। अब उनका जब टर्मिनेशन हुआ, फाइनल ईयर के बच्चे, उनका जब टर्मिनेशन हुआ तो उनका 3 साल बर्बाद हो रहा था। तो एक बच्चे की माँ ने आके हमसे कहा कि हमारा इकलौता लड़का है, कह रहा है हम खुदकुशी कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। हमने बुलाया उसको, समझाया, हमने कहा कोई टाइम हम बात करेंगे, जाएंगे। कल मैं इत्तेफाक से गया था नैनी एक शादी में, शादी से पलट रहा था तो मैंने गाली घुमा दी अच्छे इंस्टीट्यूट की तरफ। वहाँ गया, वहाँ मुझे वीसी मिले नहीं, वहाँ उनके चैम्बर में जाके मैं बैठ गया, मेरे साथी जो थे बाहर खड़े हो गए, और वो बच्चा जो टर्मिनेट हुआ था वो बाहर कैंपस में निकल के, वहाँ कुछ बच्चे उसको देख के उत्तेजित हो गए कि हमारे साथी को टर्मिनेट किया गया है, और पता नहीं कहाँ सेक्शन होता है इनका, क्या वो होता है जहाँ क्लासेस होते हैं, वहाँ जाके मारपीट करने लगे। बाद में बाद मुझको पता चली तो मैं उठ के चला आया। अब आप सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे तो वो लड़के मारपीट करते हुए स्टूडेंट लग भी रहे हैं, छात्र लग भी रहे हैं, वो अलग है, मैं उतर के जा रहा हूँ चैम्बर में बैठ रहा हूँ वो अलग है, दोनों को इकट्ठा करके दिखाया जा रहा है, कह रहा है उन्होंने आगे गुंडाई कराया, दबंगई कराया, ये मामला है। तो अब आप ये बताइए कि कोई बच्चे को टर्मिनेट कर दिया जाए तो हम लोग बात नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं? कतई ये नहीं कह रहे हैं कि हमने मारपीट की, वो कह रहे हैं कि उनके साथ के लोगों ने किया है। तो कहने का मकसद वो लड़कों को मेरे साथ मान रहे हैं, उन बच्चों को मेरे साथ मान रहे हैं, तो उसकी जांच हो जाएगी। तो FIR में विवेचना होगी ना, कोई मोबाइल चला गया उसकी डकैती है, हम लोग मोबाइल के डाकू हो गए, तो अब उसकी विवेचना होगी, विवेचना करके जो उसको सामने आ जाए। ये देखिए, सिर्फ इसलिए कि मुझको प्रत्याशी बनाया गया है समाजवादी पार्टी का, सारी कहानी ये है, इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा, बाकी कोई मामला नहीं है। कानपुर में विरोध प्रदर्शन
नहीं, विरोध प्रदर्शन कुछ वकील कर रहे थे तो आपको शायद जानकारी नहीं, जनता ने उनसे पुतला लेके फेंक दिया और वकीलों को मना किया, दौड़ाया कि ये सब मत करो। कानपुर में विपक्षी उम्मीदवार कह रहे हैं कि इनका टिकट काटा जाए, नहीं है अब ये सब कोई मतलब नहीं है। अब वहाँ की जनता तो कह रही है कि हमको एक काम करने वाला आदमी चाहिए, ये भी खबर हमारे पास है। आखिर यूनिवर्सिटी के लोगों ने ऐसा किया क्यों आपके? नहीं, वहाँ बड़ी गुटबाजी है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बड़े मामले हैं, उनमें मैं नहीं जाना चाहता। वहाँ बड़ी गुटबाजी है, उस गुटबाजी में मुझे ना आर बी लाल मिले ना विरोध लाल मिले जो मेन लोग हैं, लेकिन वहाँ एक ग्रुप ऐसा है जो वहाँ कब्जा करने के चक्कर में लगा हुआ है, तो ये सब उनकी कहानियाँ हैं, उसमें हम क्या बताएं। क्या कोई किसी दबाव में एफआईआर कराई गई है आपके खिलाफ या कोई साजिश? नहीं, एफआईआर तो हमारी सरकार खुला कह रही है कि कोई शिकायत आएगी तो हम एफआईआर करेंगे, और सारे स्टेशन अफसरों को निर्देश हमारे सरकार ने दे रखे हैं, एफआईआर करके विवेचना होगी, विवेचना में अगर हम गलत हैं तो गलत पाए जाएंगे, सही है तो सही पाए जाएंगे। ना हमारे लोगों ने, वो लड़के जो थे मारपीट किए थे उनको यूनिवर्सिटी कह रही कि मेरे इशारे भी किया है, मैं ये कह रही। अच्छा, 5 बार आप विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, आपका एक लंबा राजनीतिक इतिहास है, आपके साथ इस तरह के विवाद अक्सर जुड़ जाते हैं और राजनीति के लिए इसको बुलाने की भी? देखिए, हम लोग काम ज्यादा करते हैं। शिवपाल जी का बयान आया है कि इसकी जांच करवाएं। ठीक है, जांच करवाएं। हम लोग काम ज्यादा करते हैं, जनता काम की उम्मीद ज्यादा करती है, काम चाहती है, तो जो ज्यादा काम करेगा वो विवाद में रहेगा।